पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट में माझा के उद्योगपतियों से चर्चा की। सीएम मान के साथ कैबिनेट मिनिस्टर इंद्रबीर सिंह निजर, कुलदीप सिंह धालीवाल, हरभजन सिंह ईटीओ और अनमोल गगन मान भी पहुंची। बता दें कि मोहाली में 23 और 24 फरवरी को होने वाली प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन होना है, इसी के लिए सीएम मान आगे की तैयारी के लिए अमृतसर पहुंचे। कोई माफिया नहीं होगा, कोई थोनू तंग करने वाला नहीं होगा, कोई थोनू दफ्तर के गेड़े नहीं मारने पैणगे। कलर कोडिंग कर देनी है स्टाम्प पेपर की। CLU ची लंघ जाते 6 महीने, चलो जी फिर पोल्यूशन बोर्ड वाले पासे चलीए, चलो जी फिर फॉरेस्ट वाले पासे लंघीए, चलो जी फिर आ NGT कहिंदी आ बड़े स्यापे जमीन ली पई है, काम शुरू नहीं हो रहा। कलर कोडिंग कर देनी है। दिलीप जी ये तो काम कर रहे हैं ना, आप इंडस्ट्री फर्ज कर लो, आई एम जस्ट फ्लोटिंग एन आइडिया। तुसी अमृतसर के नेड़े 40 किले जमीन ली, तुसी फैक्ट्री लानी है, तुसी रजिस्ट्री करानी है, थोड़े लिए अस्टाम ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का अस्टाम होगा। तुसी सानू दस दोगे कि मैं इंडस्ट्री लानी है, मैं ग्रीन कलर का अस्टाम खरीदना। विदिन वीक असी सारा कुछ चैक कर लाँगे कि हाँ तो थोड़ी जमीन इत्थे है, खसरा नंबर यह है, सारा कुछ। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दो गुटों के बीच अनबन के बाद गोलियां चली। इस दौरान 3 राउंड फायर हुए जिसमें 2 लोग जख्मी हुए, 1 को बाजू और दूसरे को कमर में गोली लगी है। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में पुलिस ने 1 व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिमाचल में चल रहे अडानी की सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर सीएम सुक्खू का बयान आया। सुक्खू ने कहा कि सीएम बनने के 4 दिन बाद से ही सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई। पिछले लगभग 45 दिनों से गतिरोध खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद अडानी जी ने अपने जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो बंद हो गई और उसके बाद किराए का मामला ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी ग्रुप के बाद भी चल रहा है। पिछले 40-45 दिन से हमने प्रयास किया और हमें लगता है कि पिछले कल उन्होंने सीधी वार्ता भी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ की है। वो हमारा ही दबाव था कि वो सीधे तौर पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए और सरकार ने भी ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस दृष्टिकोण से कुछ वार्तालाप उनके बीच। जम्मू कश्मीर के डोडा में स्थानीय लोगों के घरों में दरारें आने की शिकायतों के कुछ दिन बाद ही रामबन जिले से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रामबन के रामसो इलाके में कल दरारें आने से 3 घर ढह गए। कई घरों में दरारें आने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां 4 लेन का काम चल रहा है जिसके लिए उन्होंने पहाड़ खोदा था, जिससे मिट्टी खिसकने लगी और 3 घर ढह गए। 3 से 4 घर खतरे में है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कल श्रोमणी अकाली दल की बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा के बाद उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आप सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार प्रकाश सिंह बादल द्वारा बनाए गए मेरिटोरियस स्कूलों का नाम बदलकर उस पर अपनी फोटो लगाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। बादल ने भी आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार द्वारा कोई नया स्कूल या कोई नई सड़क नहीं बनाई गई। ते हुण जिहड़ा तुसीं देखो जो हालात फाइनेंशियली जो हालात स्टेट दी है, कोई पता ही नहीं की हो रहा है। अगले सालों के अंदर रेवन्यू ग्रोथ मैं पता कर रहा सी, कल मैं अखबारों च पढ़िया हुणी, इन्हां दा टारगेट सी 90,000 करोड़। पिछला बजट जो पेश किया सी कि 90,000 करोड़ की आमदन आऊगी सानू साल च, सारी सेंटर तो लग मिला के अज 3 महीने रह गए, 60,000 करोड़ भी नहीं पहुंची। तो फिर थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 रुपया नहीं किया इन्होंने 1 साल च, 1 भी नवीं सड़क, कोई नवा स्कूल। हुण जिहड़े इन्होंने नवा स्कीम बना दी सी, एक वधिया स्कूल पता ना की दिता सी उन्होंने, एमिनेंस स्कूल की किया उन्होंने, जिहड़ा बादल साहब ने जिहड़े अपने मेरिटोरियस स्कूल बनाए सी उन्हां दा नाम फिर तो चेंज करता ना। इन्हां दी पॉलिसी है कि ना चेंज कर करके अपनियां फोटोआं लाई जाओ। थोनू पंजाब दी जनता ने ना चेंज करन वास्ते मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्हां दी जिंदगी चेंज करन वास्ते इंप्रूव करन वास्ते मुख्यमंत्री बनाया। मैनू बड़ा दुखना कहना पैंदा है
कि जिस उम्मीद ना लोगों ने बनाया तुसी सारयां दी उम्मीदां तोड़ दित्ती। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां बीते दिनों उन्होंने एसडीएम के दफ्तर पर छापेमारी की। वहीं कल विदेश मंत्रालय से लीबिया में फंसे पंजाबियों को बुलाने का भी आग्रह किया। इसी एक्शन मोड में आज बैंस रोपड़ के एक प्राइमरी स्कूल पहुंचे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कोई बुनियादी ढांचा नहीं, कोई शिक्षक नहीं और दुख की बात है कि अधिकांश बच्चे सरल पंजाबी पढ़ने या गणित के सरल समीकरणों को हल करने में भी असमर्थ थे और फिर भी पूर्ववर्तियों ने इसे नंबर वन कहा है। इस तरह बैंस ने पुरानी सरकारों पर शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने में पूरे शिक्षकों के साथ नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। वाइटसन के गुरसिक गायिका गुरजस कौर खालसा ने अपनी एल्बम मिस्टिक मिरर के लिए ग्रामी पुरस्कार जीता है। गुरजस कौर खालसा ने लॉस एंजलिस में 65वें वार्षिक ग्रामी अवार्ड्स के प्रीमियर समारोह में मिस्टिक मिरर के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का अवार्ड जीता है। एल्बम में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द शामिल है। मंच पर गुरजस ने कहा कि अकादमी द्वारा मुझे इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। इस एल्बम को बनाने में मदद करने वाले सभी को धन्यवाद, हमारे निर्माताओं को धन्यवाद। आप लोगों के साथ खड़ा होना एक ऐसा सौभाग्य और सम्मान है, इसके पृथ्वी ग्रह पर प्यार और दया लाने की अधिक जिम्मेदारी हो जाती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने अफगानिस्तान बना दिया है। राज्य में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के घरों को तबाह करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने देश में अपोजिशन पार्टी के लीडरों से अपील करते हुए कहा कि वो बीजेपी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर तमाशा ही न बने। मोहाली पुलिस की तरफ से जलालाबाद के थाना सदर के नजदीक सतीजा कबाड़ स्टोर पर रेड मारी गई, जिस दौरान पुलिस की तरफ से कबाड़िये और उसके साथी को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक मोहाली के फेस 8 और फेस 11 में पुलिस की तरफ से कार चोर गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वो खरड़ मोहाली चंडीगढ़ के साथ लगते इलाकों में से चोरी की हुई गाड़ियों को जिला फाजिलका के जलालाबाद में रिंकू सतीजा नाम के एक कबाड़ी को बेच रहे हैं, जिसके बाद मोहाली पुलिस की तरफ से देर रात जलालाबाद के कमरेवाला रोड थाना सदर के नजदीक एक कबाड़ी की दुकान पर रेड मारी गई। जानकारी के मुताबिक इस रेड के दौरान कबाड़िये की तरफ से चोरी की गई गाड़ियों में इकट्ठे किए हुए लाखों रुपए भी बरामद किए गए। जेड़े कार चोर गिरोह दे रिगार्डिंग है, एक मोहाली पुलिस ने एक जेड़ा कार चोर गिरोह है वो गिरफ्तार किया है, जेड़ा कि पिछले 7-8 महीनों तो मोहाली दे विच वारदातां कर रहा सीगा। इस गिरोह ने जो है तक साडे कोले डिटेल्स असीं लिती है, करीब 52 व्हीकल्स जिहड़े हैगे आ मोहाली तो चोरी किए, 52 व्हीकल जिहड़े मोहाली तो इन्हां ने चोरी किए, कारां 4-व्हीलर ते 2-व्हीलर, 2-व्हीलर भी हैगे कुछ इहदे विच, ते मिला के 52 इन्हां ने व्हीकल्स चोरी किए। ते इह करीब 7-8 महीने तो सरगर्म सीगे इह, ते इह जिहड़े गड्डियां सीगियां इह कुछ तां इन्हां ने आपदे वरतन वास्ते रखियां होईयां सी चोरी दियां, ते मेजोरिटी गड्डियां नूं इह कट के उहदे जां तां स्पेयर पार्ट्स या फिर एज स्क्रैप जिहड़ा सीगा ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਕਰੈਪ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਨੈਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ 29 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੈ 29 ਕਾਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੈ।